नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक रण में उतारने की कवायद में हैं, तो कई अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और राज्यपाल तक अपने अपने बेटे बेटियों के टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे मयंक जोशी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से दो बार विधायक रह चुकी हैं और अब वो इस सीट से अपने बेटे को विधायक बनाना चाहती हैं। इसी तरह से सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने छोटे भाई जयनाथ कुशवाहा को भाटपार रानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। 2017 में बीजेपी के टिकट पर जयनाथ कुशवाहा चुनाव लड़े लेकिन सपा के आशुतोष उपाध्याय से हार गए थे। कानपुर नगर से बीजेपी सांसद सत्यमेव पचौरी अपने बेटे अनूप पचौरी के लिए कानपुर की गोविंद नगर सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और उनके बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और दूसरी बार पार्टी ने फिर से उनको टिकट भी दे दिया है। लेकिन राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी लखनऊ कैंट और उत्तरी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी मलिहाबाद से बीजेपी की विधायक हैं। इस बार कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर महिलाबाद और दूसरे बेटे प्रभात किशोर सीतापुर की सिधौली सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। आगरा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की पत्नी टुंडला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। योगी सरकार के कई मंत्री भी अपने बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पथदेवा सीट से उनके बेटे सुब्रत शाही चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रुद्रपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और मंत्री जयप्रकाश निषाद अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के बेटे दिलीप दीक्षित उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के सामने दिक्कत ये है कि किसे टिकट दें और किसे ना दें। योगी सरकार में वित्त मंत्री रहे राजेश अग्रवाल ने 75 वर्ष की आयु के चलते मंत्री पद छोड़ दिया था। ऐसे में अब वो बरेली कैंट सीट से अपने बेटे आशीष अग्रवाल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। योगी सरकार में सहकारिता मंत्री और ओबीसी चेहरा माने जाने वाले मुकुट विहारी वर्मा की उम्र 76 साल हो गई है लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी में है और साथ ही वो अपने बेटे गौरव के लिए केसरगंज सीट से टिकट चाहते हैं। लखनऊ मध्य सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी के मंत्री सांसद ही नहीं बल्कि दो राज्यों के राज्यपाल के बेटे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान ने अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के बेटे अमित मिश्रा देवरिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। देवरिया सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। कलराज मिश्र देवरिया से सांसद रहे हैं और अब उनके बेटे अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी पिच पर उतरना चाहते हैं। तो इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।